मिथिला राज बनना ही चाहिए, मिथिला राज चाहिए, हम लोग की सांस्कृतिक पहचान है। से जो हमारा मिथिला राज्य बनेगा तो एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर उसका विकास होगा। सरकार जो अभी है वो किसकी है? पूंजीवाद की। और ये फकीर सम्राट जो है चोर है। एज एक जर्नलिस्ट हूँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सारी ज्ञान है। ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को खरीद लिया है, ये निर्वाचन आयोग को अपने आदमी में बैठा लिया है। बिहार के शासन प्रशासन घोटाले करप्शन से हम परेशान हो चुके हैं। अगर छोटा राज्य होता है तो वहाँ की जो है ना रेवेन्यू बढ़ती है, वहाँ का विकास होता है, वहाँ IIT होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ इंडस्ट्रीज होती है और वहाँ का विकास और डेवलप होता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं जनहित आवाज। आप मेरे पीछे एक पोस्टर देख पा रहे होंगे, पृथक मिथिला राज्य। बता दें कि बिहार का एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन बिहार टूटा भी है। जिस वक्त दुनिया में पढ़ाई लिखाई नहीं थी, उस वक्त बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जो कि सर्वश्रेष्ठ विद्यालय में जाना जाता है। लेकिन बिहार कई बार टूटा है। बिहार से 1935 में टूटकर उड़ीसा राज्य अलग राज्य बना, फिर 2000 में टूटकर झारखंड राज्य एक अलग राज्य के रूप में बना, और अब एक अलग मांग आ रहा है। ये मांग नहीं है, सदियों से चला आ रहा है, और ये मांग है पृथक मिथिला राज। आप पोस्टर देख पा रहे होंगे, अपना अस्तित्व चाहिए और मिथिला राज्य के लिए ये जंतर मंतर पर, दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ मौजूद लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये बिहार से अलग होकर मिथिला राज्य बनाने के पीछे क्या कारण है, क्यों मिथिला राज्य जो है, आपको मिथिला राज्य अलग क्यों चाहिए, बिहार से अलग क्यों होना है? मिथिला राज्य इसलिए चाहिए, जो मिथिला जो है एक पहले मिथिला प्रदेश हुआ करता था। जब बिहार सरकार की जो है विभाजन के वक्त में जो है बिहार अपने में मगध सरकार ने मिला लिया, और उसके बाद वहां पर जो है ना शोषण और दोहन का कार्य करने लगा। इसी से वहां के जनता ने ओत प्रोत होकर अपनी राज की मांग कर रहा है, जबकि केंद्र और राज्य सरकार में बातें चल रही है जो उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार का बंटवारा होगा। लेकिन उत्तर बिहार का और दक्षिण बिहार का बंटवारा जो होगा, उससे पहले झारखंड जो बंटवारा हुआ उस टाइम भी मिथिला का शोषण और दोहन हुआ। अगर उसका शोषण दोहन हो न पाए, इसीलिए हमें पहले मिथिला राज चाहिए। अगर छोटा राज्य होता है तो वहाँ की जो है ना रेवेन्यू बढ़ती है, वहाँ का विकास होता है, वहाँ IIT होती है, यूनिवर्सिटी होती है, वहाँ इंडस्ट्रीज होती है और वहाँ का विकास और डेवलप होता है। बिहार जो है, बिहार तो इस तरह से टूट जाएगा, पहले भी टूटा हुआ है बिहार, और कितनी बार टूटेगा? ऐसा नहीं है, पहले बिहार टूटा है और अभी भी टूटेगा। उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बांटना जरूरी है ही, तो फिर मिथिला राज क्यों नहीं? बिहार तो बटेगा, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार बटेगा, उनके मैनिफेस्टो में है, तो फिर मिथिला राज क्यों नहीं? आप कह रहे हैं शोषण हुआ है, दोहन हुआ है, तो उसके खिलाफ आप आवाज उठाइए ना, आपको अलग राज्य क्यों चाहिए? अलग राज्य इसलिए चाहिए, जो सरकार जब उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार बांटेगा ही तो हमें मिथिला राज भी क्यों नहीं? आपको कैसे पता कि ये बटेगा ही? ये उनके मैनोफेस्टो में है, आप उनके मैनोफेस्टो में है। एज एक जर्नलिस्ट हूँ मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मुझे सारी ज्ञान है। उनके मैनोफेस्टो में है जो उत्तर बिहार दक्षिण बिहार की किसके मैनोफेस्टो? भारत सरकार के केंद्र में और राज्य में है ये, और बटेगा, उड़ीसा के भाग में बटेगा, मद्रास बटेगा, अभी आपके नागालैंड बटेगा। ये आप जर्नलिस्ट है तो आपको ये भी पता होगा कि मैनिफेस्टो में और प्रदर्शन में दावे और वादे खूब होते हैं, वो किया नहीं जाता जमीनी स्तर पर। जमीनी स्तर पर उस पर वर्क होता है, जो पार्लियामेंट मिनिस्ट्री जो रिलीज है वो जो सत्यार्पित करता है वो मान्य है, वो ऑथेंटिक है, वो हो काम या बाद में हो या उन सत्ता के बाद हो, लेकिन वो होता है। मैनिफेस्टो में बेरोजगारी का भी था, लेकिन मिला क्या रोजगार? बेरोजगारी तो ये खत्म कर ही नहीं सकते। सरकार जो अभी है वो किसकी है? पूंजीवाद की। ठीक है, 2 करोड़ रोजगार का था ना वादा, 2 करोड़ रोजगार मिले हैं। बिहार के चुनाव में तेजस्वी यादव ने कहा था 10 लाख रोजगार देंगे, मिला क्या?
ऐसा है केंद्र के जो जो फकीर सम्राट बैठे हैं, केंद्र से चलिए पहले, ये ने कहे थे जो हम सबको बेरोजगारी खत्म कर देंगे, ठीक है, ये जुमलाबाजी था, उन्हीं के नेता अमित शाह ने कहे थे, ये जुमलेबाजी है। और ये फकीर सम्राट जो है चोर है, आपको बता दूं, ये देश को बर्बाद कर रहा, यहाँ के जवान को दोहन कर रहा, और ये जो है ना, ये देश को विनाश की ओर अग्रसर कर रहा है। देश में ये सत्ता पार्टी जो है ना, ये चोर हैं, ये मीडिया पर जो है लगाम लगा दिया है, मीडिया को दो धरा में बांट दिया है, एक पूंजीवाद मीडिया है, एक नॉन पूंजीवाद है। आपके सोशल मीडिया पर ये बैंक लगाने की तैयारी में है, ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया को खरीद लिया है, ये निर्वाचन आयोग को अपने आदमी में बैठा लिया है, ये जस्टिस चंद्रचूड़ जो बैठे हैं, अगर ये जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के महामहिम हैं, तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जो ये डॉक्टर लोहिया जज की कत्ल का जिम्मेदार मोदी और अमित शाह हैं, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं चलाते चंद्रचूड़ साहब? कहाँ की संविधान? भारत में संविधान बिक चुकी है। इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लगता? किस बात की हमें डर लग रहा? सरकार से एक्सीडेंट हो जाता है, जो खिलाफ में बोलता है एक्सीडेंट हो जाता है उसका। अभी आप हमारे साइट पे जाइए, सनसनी इन्वेस्टिगेटर खोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने वाला संतोष झा है। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट में अभी जो है सस्पेंड मेडिकल सुप्रीडेंट को कराने वाला संतोष झा है। अभी आप साइट खोल के और वहां से सारा डाटा लें। और तहलका की भारत में पहली स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ था, जो तरुण तेजपाल जी किए थे, उस स्टिंग का मास्टरमाइंड संतोष झा है, जो आपके समक्ष हूं। चलिए मुद्दे पर फिर से आते हैं और लोगों से पूछते हैं, क्यों चाहिए मिथिला अलग राज्य, क्यों चाहिए मिथिला राज्य? चाहिए, हम लोग की सांस्कृतिक पहचान है, जैसा कि आप जानती होंगी त्रेता काल से रामायण काल में मिथिला का अस्तित्व था, है ना। वर्तमान समय में कोई राजनीतिक रूप से भारतीय संविधान में मिथिला की मान्यता तो है नहीं, तो वह जो हम लोग की लेकिन मूल पहचान है, हम मैथिल हैं, मिथिला प्रांत के हम लोग निवासी हैं, लेकिन आज बिहार प्रांत के निवासी कहलाते हैं, तो हम चाहते हैं कि मिथिला प्रांत के क्या हो गया, ये जो संस्कृति है और सीता माता की जो कहानी है उस पर पूरा बिहार गर्व करता है, आप नहीं चाहते कि पूरा बिहार गर्व करे, सिर्फ आप अपने बारे में सोच रहे हैं? नहीं नहीं, आप गलत बोल रही है, बिहार क्या गर्व करता है, पूरी दुनिया गर्व करती है, पूरा भारत गर्व करता है। बिहार कहता है कि हमारी माता है सीता, उससे कुछ हो नहीं जाता ना, जो महापुरुष होते हैं वो किसी क्षेत्र के थोड़े होते हैं, बिहार ही क्यों गर्व? अभी आप वही अपने बात में फंस गए कि हमारी संस्कृति अलग, संस्कृति हमने कहा कि मिथिला की पहचान थी ना प्राचीन समय से, आज तो नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं मिथिला हमारी राज्य बने, उसमें हम एक मैथिल के रूप में उसमें अपनी हमारी पहचान सशक्त हो, है ना, और उसके कारण से जो हमारा मिथिला राज्य बनेगा तो एक प्रशासनिक इकाई के तौर पर उसका विकास होगा। अभी वर्तमान बिहार में लगभग 75% जो है भूभाग आबादी हमारी है, लेकिन पूरा इलाका नेगलेक्ट है, आप उधर जाके देखेंगे मिथिला में कोई विकास का काम नहीं है, ज़्यादातर विकास का काम मगध के क्षेत्र में होता है, तो ये जो हम लोग को विकास के रूप में उपेक्षित है, सांस्कृतिक रूप से उपेक्षित है, उस सब पर पार पाने के लिए कि हमारा मिथिला प्रगतिशील बने, प्रोन्नतिशील बने, मैथिल का भी विकास हो समुचित, बहुत हमारे इलाके के लोग आप देखते होंगे जगह जगह पलायन कर जा रहे हैं, क्यों दूसरे प्रांतों में जाता है, पूरा क्षेत्र उपेक्षित है, तो हम लोग अपनी पहचान विकास के लिए, सांस्कृतिक पहचान के लिए मिथिला चाहते हैं। जब आपके पास विकास नहीं हो रहा है तो उस विकास के लिए लड़िए ना, पूरा बिहार देखा जाए ना, पूरा बिहार पिछड़ा हुआ है, पूरे बिहार के लोग दूसरे राज्य में पलायन करते हैं, जॉब नहीं है, दूसरे राज्य में जाते अपने परिवार को छोड़ के, पूरी बिहार की कहानी है। नहीं, हम मिथिला राज्य चाहते हैं, जैसे भारत में अनेकों राज्य है, एक राज्य मिथिला भी बन जाएगा उससे क्या दिक्कत है? इतनी बार बिहार को तोड़ेंगे? नहीं, तोड़ने से नहीं है, छोटा राज्य होता है तो उससे विकास होता है, ठीक है ना। मैं दो शब्द कहना चाहूँगा, ये राज जो है ना दिया गया था पूरा बिहार राज्य लालू जी को, लेकिन उन्होंने जो व्यवस्था दी, खुद चारा का आपको पता ही होगा, जो चारा का घोटाला कितना तगड़ा घोटाला है, हमने राज्य में जो चारा खाने की जो बात है वो जानवरों के लिए है, गाय भैंस उनके लिए है, ना कि आदमी के लिए। इस तरह से जो चारा का घोटाला होगा, अलकतरा का घोटाला होगा, कोयला का घोटाला होगा, तो कौन चाहेगा जो उस शासन प्रशासन में लोग रहे? इसलिए हम चाहते हैं मिथिला राज्य हो अलग। शासन प्रशासन से दिक्कत है तो क्या राज्य को अलग, राज्य अलग मांगेंगे? बिल्कुल राज्य अलग मांगेंगे, ये हमारा अधिकार है,
ये सीमा आयोग में 3 करोड़ से ऊपर के लिए राज्य बनाने का बात चल चुकी है, रखा गया हुआ है। इसलिए हमारी जो जनसंख्या है वह 8 करोड़ से 9 करोड़ तक की है और हम बहुत आगे हैं, तो मिथिला राज्य बनना ही चाहिए। वहाँ के बिहार के शासन प्रशासन घोटाले करप्शन से हम परेशान हो चुके हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा पलायन हो गया है। पूरा गांव का गांव खाली हो गया है, क्षेत्र खाली हो गया है। आए दिन गुंडे मवाली सारे पले बड़े हैं। हम चाहते हैं एक व्यवस्थित स्वच्छित अच्छे गुंडे मवाली क्या दूसरे जगह से आए हैं कि उसी मिथिला राज्य? हाँ, तो वहाँ के प्रशासक जो हैं वो कमज़ोर हैं ना, वो खुद ही पालते हैं उनको। हम नहीं चाहते उनके शासन में रहना, वो खुद उनको संरक्षण देते हैं, वो उनका खुद ध्यान रखते हैं, उनको वो खुद करप्टेड हैं। आप ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो कोर्ट कह रहा है। चारा घोटाला तो कितना बड़ा घोटाला था, आपसे छुपी हुई नहीं बात है। पूरा देश का बहुत बड़ा मुद्दा है ये, जिसमें श्री लालू प्रसाद जी जेल भी जा चुके हैं। एक बात बताइए, आप जिस शासन प्रशासन की बात कर रहे हैं, जिस मिथिला राज्य की मांग कर रहे हैं जितने क्षेत्र की, क्या उस क्षेत्र से शासन प्रशासन में कोई नहीं है? अगर हमारे पास शासन प्रशासन होगा, मिथिला लोगों के पास शासन प्रशासन होगा, तो हम इन चीज़ों को जरूर खत्म कर देंगे। किसी तरह का गुंडे मवाली को पनपने नहीं देंगे, अच्छे से व्यवस्था बनाएंगे। इसी मांग को रखते हुए हम लोग मिथिला राज की डिमांड कर रहे हैं और हमें मिथिला राज चाहिए, तो मींस चाहिए और हम लेके रहेंगे। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, जो हमें भीख दे दो, हमें कुछ ऐसे लॉलीपॉप दे दो, कभी कुछ दे देते हैं कभी कुछ। हमें पूरा राज चाहिए और वो भी भारत के संविधान के अंतर्गत चाहिए। हम कोई अलग देश नहीं मांग रहे, हम एक राज का टुकड़ा मांग रहे हैं, जिसको हम अपने संस्कृति में बचा के रखें, अपनी संस्कृति को पालें पोसें और अपनी मैथिली लैंग्वेज, वहाँ के मखाना, वहाँ के जो संस्कृति है, उन चीज़ों को हम बचा के रखें। इसके लिए हम अपना मिथिला राज की डिमांड कर रहे हैं और हमें चाहिए। बिहार राज्य को अस्तित्व में लाने वाले, बिहार राज्य के लिए लड़ने वाले, आवाज उठाने वाले दरभंगा महाराज ही थे, लेकिन अब उस बिहार में आपसी मतभेद में दोबारा बिहार टूटने वाला है। दोबारा बिहार नहीं टूटने वाला है, पहले तो झारखंड भी उसके साथ ही था, आज झारखंड कहाँ पहुँच गया, बिहार वहीं है सारे। दरभंगा महाराज जो थे वो मिथिला, आप जिस एरिया की बात करें, दरभंगा से थे। बिल्कुल बिल्कुल, दरभंगा से थे। उन्होंने बिहार के मांग किया था, अच्छी सोच से मांग किया था, लेकिन उनको भविष्य का पता नहीं था। जो शासन चलाने वाले ऐसे लोग करप्टेड आ जाएंगे, जो कि लगातार 15-15 साल तक राज करेंगे और उस क्षेत्र का बेड़ा गर्क कर देंगे, सारे लोग पलायन कर जाएंगे। ये चीज़ें बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था, इसलिए हम लोग मांग करते हैं। ये आप साफ तौर पर सुन पा रहे होंगे कि कैसे ये लोगों की जो एक जिद है, एक मांग है कि अगर पलायन बढ़ती जा रही है, वहाँ विकास नहीं हो रहा, शासन प्रशासन जो है वो इनके साथ भेदभाव किया जाता है, दोहरी व्यवहार किया जाता है, इस वजह से इन्हें एक अपना अलग राज्य चाहिए जिसमें ये करप्शन फ्री जो होगा, जहाँ पर कोई करप्शन नहीं होगा और अपने हिसाब से राज्य चलाए। लेकिन सवाल यही है कि बिहार कितनी बार टूटेगा और कब तक टूटते रहेगा? हर बार मांग उठेगी तो हर बार क्या तोड़ दिया जाएगा और तोड़ के अलग कर दिया जाएगा? क्या तोड़ना ही एक राज्य को तोड़कर अलग कर देना ही एक समाधान है? सोचना आपको है। बाकी पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया देना ना भूलिए। देखते रहिए जनहित आवाज, कैमरामैन बॉबी के साथ ड्यूटी गिरी, दिल्ली।